मोदी सरकार द्वारा बनाए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ बीते करीब 7 महीने से किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इन सब के बीच डबवाली में किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई, जिसके चलते नाराज किसानों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीट दिया। इस झड़प में बीजेपी कार्यकर्ता के कपड़े तक फट गए, जबकि दूसरे कार्यकर्ता का लाठी लगने से हाथ टूट गया। मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने कड़ी मशक्कत से बीजेपी कार्यकर्ता को किसानों के चंगुल से बाहर निकाला। मिली जानकारी के मुताबिक डबवाली के चौटाला रोड पर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित की गई बीजेपी जिला अध्यक्ष आदित्य देवीलाल की बैठक में सुरेश नाम का ये कार्यकर्ता शामिल होने जा रहा था। भारी संख्या में किसान बीजेपी जिला अध्यक्ष की पार्टी का विरोध करने पहुंचे थे। किसानों ने हाथों में काले झंडे लिए हुए थे। इसी बीच बीजेपी कार्यकर्ता सुरेश और किसानों के बीच मीटिंग में जाने को लेकर आपस में बहसबाजी शुरू हो गई। बहरहाल पुलिस के मुताबिक अब तक किसी भी पक्ष की तरफ से शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। शिकायत आने पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सिरसा से सत्य खबर के लिए आशीष सिद्धू की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।